दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका धार्मिक महत्व भी है और इसका औषधीय महत्व भी है। कई बीमारियां दूर होती हैं दोस्तों इस पत्ते का इस्तेमाल करने से। तो ये जो पत्ते हैं जिसकी डालियां कांटेदार होती हैं, इसमें कांटे लगे रहते हैं और तीन पत्तों का जोड़ा होता है। आप देख सकते हैं एक डंडी में तीन पत्तों का गुच्छा लगा है और ये है बेल पत्र। इसके फलों का भी सेवन किया जाता है। इसका फल होता है गोल सा फल होता है बेल, बेल का शरबत बनाया जाता है। तो फल के साथ ही साथ इसकी पत्तियों का भी प्रयोग बहुत सी औषधियों को बनाने में किया जाता है। तो बेल पत्र जो होते हैं इसका सेवन हमें कई बीमारियों से बचाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो बेलपत्र होता है दोस्तों जिसका इतना ज़्यादा धार्मिक महत्व है, खासकर सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना में बेलपत्र को चढ़ाया जाता है। इसके बेमिसाल फायदे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। जब भी इसे तोड़ें देखिए कितना तेज कांटा है इसमें, तो सावधानी पूर्वक ही इसकी पत्तियों को अलग करें। इन तीन पत्तियों के गुच्छे को भगवान शिव को चढ़ाया जाता है तो इसमें ढेर सारे कांटे लगे रहते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक इसका इसकी पत्तियों को तोड़ें। मैंने अपने घर पर ही बेलपत्र का ये पौधा लगाया। छोटा पौधा होता, बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है। और इसमें जहाँ तक इसके औषधि गुणों की हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। किसी भी तरह का चर्म रोग होता है ना दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर पुराने समय के लोग क्या करते थे, यही तो घरेलू उपचार किया करते थे दोस्तों। बेल पत्र जो होता है इसमें जर्म्स को खत्म करने की शक्ति होती है। इसकी पत्तियों को कुचलकर उसका रस वे लोग किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन पर लगाते थे तो दांत खाज खुजली की समस्या है वो समाप्त होती। सर्दी जुकाम में अगर एक पत्ती को लिया जाए या इसका काढ़ा पिया जाए, इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर पीने से सर्दी जुकाम कफ की समस्या दूर होती है। इसकी पत्तियों का रस या इसकी पत्तियों का काढ़ा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों को पीसकर यदि आपको कोई कीड़ा काट लेता है, कीड़े का मतलब होता है जैसे बरैया, बर बोलते हैं, मधुमक्खी बोलते हैं, ततैया बोलते हैं, इस तरह के जो कीड़े होते हैं ना दोस्तों जिनका डंक बहुत तेज होता है, तो कई बार मधुमक्खी के काटने से हमारी उस जगह पर सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ होती है। तो इस तरह में भी आप बेलपत्री को पीसकर इसका रस या इसके पेस्ट को आप मधुमक्खी काटने की जगह या ततैया जहाँ काटी वहाँ लगा लें, दर्द से राहत मिलेगी, सूजन तुरंत ही उतर जाएगी और उनके जो डंक का जहर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया औषधि महत्व वाला पौधा है दोस्तों। तो किसी भी जहरीले कीड़े काटने पर भी आप इसकी पत्तियों का रस लगा सकते हैं। आप मधुमक्खी काटी भाई कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु दर्द बहुत होता है उसके डंक का, आप करके देखें। और घर पर बेलपत्र का पौधा आप ज़रूर लगाएँ। इसके अलावा आप बेलपत्र को पीस सकते हैं, कूट सकते हैं या किसी भारी चीज़ में डालकर इसका जूस भी निकाल सकते हैं। एक चम्मच इसका रस लेने से पुराने कफ की समस्या या खांसी की समस्या भी समाप्त होती है। डायबिटीज़ में भी ऐसा कहा जाता है कि सप्ताह में दो बार बेलपत्र की केवल एक पत्ती खाने से मधुमेह की बीमारी बिल्कुल ही समाप्त होती है। आप चाहें तो इसके पत्तों को पानी में उबाल कर भी ले सकते हैं। जिन्हें इसके पत्तों को चबाना पसंद नहीं है वे लोग इसके कुछ पत्तों को ले लीजिए, सबसे पहले तो पानी से धो लीजिए। पानी से धोने के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद इसका एक चम्मच रस ले लीजिए और एक चम्मच रस को आप अगर लेते हैं तो पेट में यदि कीड़े हैं वो भी समस्या दूर होती है। इसके अलावा जिन्हें शुगर की बीमारी है वे एक पत्ते को चबा चबा कर खाएँ। सप्ताह में केवल दो दिन लें और उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है ये। उसके बाद आप चाहें एक सप्ताह के बाद बंद कर दें, आपको खुद को मधुमेह की बीमारी से छुटकारा मिलेगा। तो ये औषधि महत्व से भरपूर ये पौधा होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मुंह में छाले हैं ना तो छाले की जगह पर भी लगा लें। फंगल इन्फेक्शन में इस तरह से इसकी पत्तियों का रस या इसके पेस्ट को लगा के चर्म रोग को ठीक किया जाता है। अब कई बार हमारे मुंह में छाले आ जाते हैं, मुंह मसूड़ों से खून आने लग जाता, मसूड़ों में सूजन आ जाती है या फिर इस तरह से मुंह से संबंधित कोई तकलीफ होती है, तब भी आप इसके पत्तियों को पानी में उबालकर उससे गरारे करें। मसूड़ों की सूजन दूर होगी, मुंह के छाले जो गाल पे कई बार हमारे मुंह के अंदर छोटे छोटे छाले से पड़ जाते हैं, फोड़े से पड़ जाते हैं, उनसे भी राहत मिलेगी। यहाँ पर मैंने पत्तियों का रस इस तरह से कुचल लिया है, एक चम्मच रस निकाल लिया है और इससे आपको तुरंत ही राहत मिलेगी। आप चाहें तो जिन्हें पत्ती को चबाना पसंद नहीं है वे लोग चाहें तो एक चम्मच इसका रस भी ले सकते हैं। पाइल्स की परेशानी में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है।
तो आप एक पत्ती को चबा सकते हैं या एक चम्मच रस ले सकते हैं, ऊपर से आप हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है यदि सप्ताह में केवल एक बार, इसे रोज नहीं खाना है आपको, सप्ताह में एक बार एक पत्ती का सेवन करेंगे ना, कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या जड़ से समाप्त होगी। हमारे पेट का रोज साफ होना जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका पेट रोज साफ नहीं होता है, तो धीरे धीरे कब्ज की समस्या आगे चलकर किसी और समस्या में तब्दील हो जाती है। तो क्यों ना हम कब्ज की समस्या को ही जड़ से समाप्त करें। तो एक पत्ती को ले सकते हैं आप, पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती है। एक कोमल कोमल पत्ती भी ले सकते हैं, अगर कड़ी सूखी पत्तियां होती हैं, कई बार एकदम बहुत कड़क होती हैं वो चबाते नहीं बनती, एक नरम पत्ती का भी सेवन आप लोग कर सकते हैं। पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। इसके अलावा शुगर की समस्या के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो 2 से 3 बेलपत्री को एक गिलास पानी में रात भर डुबा कर रखें, सुबह उठकर इस पानी को पी सकते हैं आप लोग। तो ये बहुत ही सेफ रेमेडी है, खासकर डायबिटीज़ के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर लेवल भी कंट्रोल में आता है। और ये एक पौधा होता है दोस्तों, इसकी पत्तियाँ बहुत ही गुणकारी होती है, हर तरह के चर्म रोगों को दूर करता है इसकी पत्तियों का लेप, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप इसकी अच्छी पत्तियों को पहले छांट लीजिए। आप देख रहे हैं इसमें जो कुछ पत्तियां ना, इनमें आपको छेद दिखाई दे रहा हो, जिसमें छेद है या जिन पत्तियों में थोड़ा सा कीड़ा लगा है, आप उन्हें हटा दीजिए, अच्छी तरह से धो लीजिए। इसके बाद बेलपत्र को पानी में उबालकर 10 मिनट तक पानी में उबालें। एक गिलास पानी ले लीजिए और इन पत्तियों को अच्छी तरह से चाहें तो छोटे टुकड़ों में तोड़कर या ऐसी खड़ी डाल दें, पानी में उबाल लीजिए 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर, छान कर फिर हल्का गरम गरम इस पानी को पिए। काढ़ा पीने से भी हमारी कई बीमारियां दूर होती, जैसे कि जिन्हें हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वे सप्ताह में एक बार इस काढ़े को ले सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते, छोटी मोटी बीमारियां हमें होने ही नहीं पाती है। तो आप इस तरह से भी इसके काढ़े को बना सकते हैं। बहुत से लोग बेलपत्र का पाउडर बनाकर भी रखते हैं जिन्हें ताज़ी पत्तियां नहीं मिलती। मेरे यहाँ तो इसका पौधा लगा हुआ है, खासकर सावन के महीने में ये आसानी से मिल जाती है, परंतु बाकी मौसम में ये नहीं मिलती हैं जिन्हें, वे घर पर चाहें तो बेलपत्र का पौधा भी लगा सकते हैं, या आजकल तो मार्केट में बेलपत्री के पत्तियों को सुखा कर उसका पाउडर भी आने लगा है। आप चाहें तो आधा छोटी चम्मच से कम पाउडर सप्ताह में एक बार गर्म पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। तो औषधि गुणों से भरपूर ये जो बेलपत्र होता है, कांटेदार इसकी टहनियाँ होती हैं दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट जरूर करें। आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं, आप अपना नाम लिखिए और जगह का नाम लिखिए, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको थैंक्स बोल सकूं मेरा वीडियो देखने के लिए। तो मेरे परिवार को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शिखास किचन चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं दोस्तों, तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।